أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you students? I hope so that you will be fine at your home. Today we are going our assessment sheet solving session. Class 8th, subject English. Lecture number 12 है, sheet number आपका 12 है. Before we start our session, I would like to request you to subscribe this channel and also like this video. जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं वो टाइमली मिलती रहेगी. बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन से दुआ, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्म. लेट्स सी द असेसमेंट शीट नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसलेट इंटू उर्दू. बेटा आपको असेसमेंट शीट नंबर 12 में ट्रांसलेट इंटू उर्दू दी गई है. ये आपकी टेक्स्ट बुक का 10th पैराग्राफ है. ठीक है, मैं आपको पैराग्राफ पढ़ दूंगी और साथ ही आपके सामने उसकी उर्दू लिखी हुई है. ठीक है, पैरा में पढ़ती जाती हूँ, साथ में आपको उर्दू जो है वो बताती जाती हूँ. द बॉयज फेल्ट अ काइंड ऑफ शैडर, लड़कों पर कपकपी तारी हो गई. दे बिगिन टू शाउट, उन्होंने चलाना, एंड कॉल फॉर देयर फादर, और अपने बाप को पुकारना शुरू कर. उन्होंने चिल्लाना और अपने बाप को पुकारना शुरू कर दिया. नेक्स्ट लाइन है, थिंकिंग दैट He might be playing some kind of trick with them. ये सोचते हुए कि वो शायद उनके साथ कोई शरारत कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन है, When however he did not appear for quite some time, they really felt frightened, began to cry bitterly. ताहम जब काफी देर तक सामने ना आए तो हकीकत में वो खौफजदा हो गए और बुरी तरह रोने लगे. बेटा ये यूनिट नंबर 7 क्लेवर मिर्चू का पैराग्राफ नंबर 10 है. राइट, अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है, बी पैराग्राफ जो उन्होंने आपको दिया है, वो आपका पैराग्राफ नंबर 13 है. ठीक है, उसके हम ट्रांसलेशन करते हैं. डोंट क्राई मदर, माँ मत रोइए. वी आर ऑल हियर सेफ एंड साउंड, हम सब यहाँ खैर आफियत से मौजूद हैं. व्हाट जॉय एंड हैप्पीनेस देयर वाज इन द वुड कटर्स कॉटेज दैट नाइट, एंड व्हाट अ फीस्ट दे ऑल हैड एज दे सेट अराउंड द टेबल. उस रात लकड़हारी की झोंपड़ी में किस कदर खुशी और मुसर्रत थी, और जब वो मेज के गिर्द बैठे तो उन्होंने कितनी अच्छी दावत खाई. अगली लाइन आपकी ये है, द वुड कटर हिज वाइफ एंड ऑल देयर 7 सन्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. लकड़हारा, उसकी बीवी और उसके सातों बेटे खुशी खुशी रहने लगे. राइट बेटा, ये आपके दोनों पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हो गई है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द मीनिंग इन टू इंग्लिश. ये आपके ग्लॉसरी में से दिया गया है, आपके वर्ड हैं, इनको आपने इंग्लिश में लिखना है. ठीक है, पहला वर्ड आपका शडर, इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू शेक विद फियर, खौफ के साथ जो है वो कांपना. राइट, सेकंड वर्ड आपका है नोडेड, टू मूव हेड अप एंड डाउन, सर को ऊपर नीचे हरकत देना. डेट, डेट का मतलब कर्ज होता है, अ सम ऑफ मनी ओड टू समबडी. राइट, फोर्थ आपका है सोर, टू क्राई नॉइजी. स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये असेसमेंट शीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी. आपने बेटा ये अपनी शीट के ऊपर सॉल्व करनी है, इसको लर्न करना है. इंशाल्लाह हमारी दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे. फी अमानी.